प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। लोकसभा में बिल पास होने के बाद भी इसे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया गया है, जिसे लेकर भाजयुमो में सभी दलों के नेताओं से समर्थन पत्र लेना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भाजयुमो ने आज रायपुर लोकसभा के सांसद रमेश बैस से आरक्षण लेकर मुलाकात की। सांसद रमेश बैस ने इस मामले पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करती रही है। अधिक आय वाला शेड्यूल कास्ट हो तो उनको आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन बाजू में कोई गरीब सवर्ण रहता था, उसको रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलता था। इसलिए केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए सवर्णों को 10% आरक्षण का लोकसभा में बिल पास किया है। कई प्रदेशों में इस आरक्षण को लागू कर दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण को अभी तक से प्रारंभ नहीं किया है, जिसके लिए मैंने अपना समर्थन पत्र भाजयुमो को सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी सुर से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करते रही है। एक अगर अधिक आय वाला शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो उनको आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन अगर बाजू में कोई गरीब सवर्ण रहता था उसको रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलता था। और इसीलिए केंद्र सरकार ने आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए सवर्णों को 10% का आरक्षण लोकसभा में बिल पास किया। कई प्रदेशों ने इस 10% आरक्षण को लागू कर दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में 10% आरक्षण को अभी तक प्रारंभ नहीं किया। पार्टी ने निर्णय लिया है कि सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, सबसे समर्थन पत्र लेकर सरकार को देंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि दूसरे प्रदेशों में जब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलता है तो छत्तीसगढ़ के आर्थिक कमजोर स्थिति के सवर्णों को छत्तीसगढ़ में भी 10% आरक्षण दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।